हैं ना दोस्तों, इतना ज़्यादा धमकी मिलता है कि खेत में ही गोली मार देंगे। अब घर पे रहते हैं तो घर से धमकी आ जाता है यहाँ पे परसों, जो कि दोस्त भांजी है, आप लोग देखबे करते दोस्तों। कल भी हम वीडियो नहीं बना पाए, सर में दर्द हुआ तो भांजी हमारी सारा काम की और माथा में भी तेज। जाएंगे खेत में रहेंगे कि घर में उधर माल जाल, ईद देखेंगे कि बोर आ जाए चीज़। मतलब हम जो है डोरी पे देते गए, पापा उठते गए और बांधते गए, और इधर दीदी सब भी थी, दीदी सब भी आई, और इधर देखिए बोरा में इधर कितना ज़्यादा मकई करते हुए हैं और पापा उधर। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज क्या बताएंगे, अकेले ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कल आप लोग को वीडियो में दिखाए थे कि कितना ज़्यादा परेशान थे हम दोस्तों। कल आप लोग देखिए कि कितना ज़्यादा तबीयत ख़राब था। एक तो इधर खेत सबका टेंशन और उनका टेंशन, आप लोग देखिए कि वीडियो में नहीं तो देख लीजिएगा, जो है ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। हम लोग इधर टेंशन से मर रहे हैं, वो अपना मस्ती कर रहे हैं। इधर मम्मी पापा हम लोग घर में मात्र तो तीन ही आदमी हैं, दो भांजी है, आप लोग देखबे करते दोस्तों। कल भी हम वीडियो नहीं बना पाए, सर में दर्द हुआ तो भांजी हमारी सारा काम की और माथा में भी लगा दी। हम कॉल भी रिसीव नहीं करते, जो कि आप लोग को सारा सच्चाई बताए हैं। क्या करेंगे दोस्तों, अभी जो है ना खेत आए यहाँ पे, आज घर में तो अच्छा नहीं लगता था। कल तेल वगैरह सब लिए, फिर शाम में टैबलेट वगैरह सब खाए तो तबीयत ठीक हुआ। फिर सुबह खेत आए, सुबह आए तो आप लोग को नहीं दिखा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। इधर देखिए पूरा खेत जो है ना, ये था पंगा, ये जब यहाँ पे जमा किया हुआ है अभी ठंडा के लिए, पापा जी इनके घर तरह बना दिया। और देखिए कितना ज़्यादा जमा किया, देखिए कितना ज़्यादा जो है पंगाल इधर ढेरी किए सारा चीज़। मतलब हम जो है डोरी पे देते गए, पापा उठते गए और बांधते गए, और इधर दीदी सब भी थी, दीदी सब भी आई, और इधर देखिए बोरा में इधर कितना ज़्यादा मकई करते हुए पापा मम्मी सब जो अभी बोरा में कस रहे हैं, देख सकते हैं। और चाचा जी है, और हमको काफ़ी ज़्यादा धूप लग गया तो यहाँ गए बैठे। टलारी भी, ट्रैक्टर भी आए हैं, मकई उग के आज घर लेके जाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं उधर मकई भी उग रहे हैं, और दीदी सब उधर से दे रहे, इधर से पापा से। हमको जब काफ़ी धूप लग गया तो यहाँ पे बैठे तो सोचे आप लोग से शेयर कर देते हैं, और अपना मस्ती कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे धूप में खट रहे हैं। क्या करेंगे, खैर नसीब में यही था तो क्या करेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोग उनको कमेंट कीजिए कि जल्दी घर आ जाए, ताकि इधर काम भी बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है और हम लोग को डर भी बहुत ज़्यादा होता है। क्या बताएंगे आप लोग से दोस्तों, कभी हमारे हस्बैंड भी घर में नहीं है, ऐसे तो पता ही है आप लोग को तीन चार रोज से आज। और खेत घर में तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करेंगे अकेले घर में रह के। और खेत आते तो थोड़ा बहुत काम हम करते तो मन बटरल रहता है, और जब खेत आते हैं ना दोस्तों, इतना ज़्यादा धमकी मिलता है कि खेत में ही गोली मार देंगे। अब घर पे रहते हैं तो घर से धमकी आ जाता है यहाँ पे परसों, जो कि दोस्तों आप लोग से नहीं शेयर किए हैं, तो आप लोग से नहीं शेयर किए हम तीन चार गाड़ी। हम सोचिए कोई भी चीज़ देखिए, अगर जो उनका सच्चाई पूरा जान लेते हैं ना, तो फिर आप लोग से शेयर करने में अच्छा होता है। परसों तीन चार मोटरसाइकिल से बदल बदल के इंसान जाते थे, तो हम लोग सोचे कि पता नहीं ऐसे रोड है तो कोई जाते ही होंगे। लेकिन आज सुबह में पता चला कि किसी के पास बोलते होंगे कि बच गए, हम देख के आए और जब हम आदमी सबको लेके गए तो उधर से भाग गए। दोस्तों कोई भी बात छुपा हुआ थोड़े नहीं रहता है, कोई किसी के पास बोलिएगा तो वो इसके पास और उसके पास ज़रूर बोलते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें भी आफत है और हमारे हस्बैंड जी घर में भी नहीं है, बहुत टेंशन वाली बात है दोस्तों। वहाँ पे जमा कर दिए हम लोग सुबह से, और जो यहाँ पे दीदी सब तो रविवार थी, दोनों भांजी घर में ही थी तो कल बना दी थी, आज वो सभी नहीं है, आज वो सभी चले गए पढ़ने के लिए। क्या करें दोस्तों, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी था, मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसी तरह आप लोग बने रहिए और फिर घर जाएंगे तो फिर आप लोग को दिखाएंगे। तो खिलाड़ी फूल होने वाला बोरा भी नहीं है, ऐसा स्थिति है दोस्तों, क्या बताएंगे आप लोग को। जाएंगे खेत में रहेंगे कि घर में उधर माल जाल, ईद देखेंगे कि बोर आ जाएंगे लाने, समझ में नहीं आते हैं दोस्तों। कॉल भी रिसीव करते तो हम बोल देते आने की, आइए इतना सारा काम है, क्या पता नहीं दोस्तों क्या हो गया नहीं हो गया, हमारे घर में क्या लग गया नहीं लग गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों तभी आप लोग को दिखाए थे खेत में कि जो हम मकई धो के ला भी लिए हैं, जो टलाड़ी पे डाल रहे थे टलाड़ी में, और जो है पंगार सब जमा के सारा चीज़ आप लोग को दिखाए दोस्तों। इतना ज़्यादा धूप हो गया था, इतना ज़्यादा कि मत पूछिए।
सर दर्द करने लगा धूप से, तब जाके घर आए। घर आने के बाद जो है थोड़ा सा पानी उनी स्कूल ला के खाना खाए, सो गए। फिर अभी सो के जगह तब आप लोग को फिर बता रहे हैं। फिर दो टलाड़ी हुआ, फिर सो के जगह फिर गए खेत दोस्तों, मतलब कोई नहीं थे, इसलिए तो करना पड़ता ना, क्या करेंगे, जौन तो जने की तरह होता है। नहीं आए, गए थे सुबह पापा ढूंढने तो नहीं मिले, इसीलिए अपने से ही करना पड़ा। फिर सो के जगह तो फिर जाके गए खेत, फिर अभी जस्ट आए हैं खेत से। तो दोस्तों अभी आप लोग को बता रहे हैं, यही बोलेंगे आप लोग को, आप लोग से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा धूप में काम करना पड़ता है, गरीबी का ज़िंदगी इसी तरह जीता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बस उतना ढोका, पूरा खेत आप लोग देखे ही होंगे, उतना ढोका, इतना ढो ही मकई हुआ है, जो कि सारा ढोके अभी ला लिए हैं द्वारे पे। अब जो है एक भाग और बच गए हैं दोस्तों, तो फिर उनको काटना पड़ेगा और कुट्टी भी काटाना है। तो इतना ज़्यादा धूप हो गया था, इतना ज़्यादा कि मत पूछिए, सर दर्द करने लगा धूप से, तब जाके घर आए। घर आने के बाद जो है थोड़ा सा पानी उनी स्कूल ला के खाना खाए, सो गए। फिर अभी सो के जगह तब आप लोग को फिर बता रहे हैं। फिर दो टलाड़ी हुआ, फिर सो के जगह फिर गए खेत दोस्तों, मतलब कोई नहीं थे, इसलिए तो करना पड़ता ना, क्या करेंगे, जौन तो जने की तरह होता है। नहीं आए, गए थे सुबह पापा ढूंढने तो नहीं मिले, इसीलिए अपने से ही करना पड़ा। फिर सो के जगह तो फिर जाके गए खेत, फिर अभी जस्ट आए हैं खेत से। तो दोस्तों अभी आप लोग को बता रहे हैं, यही बोलेंगे आप लोग को, आप लोग से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा धूप में काम करना पड़ता है, गरीबी का ज़िंदगी इसी तरह जीता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बस उतना ढोका, पूरा खेत आप लोग देखे ही होंगे, उतना ढोका, इतना ढो ही मकई हुआ है, जो कि सारा ढोके अभी ला लिए हैं द्वारे पे। अब जो है एक भाग और बच गए हैं दोस्तों, तो फिर उनको काटना पड़ेगा और कुट्टी भी काटाना है। इनको अब तैयारी करके सुखाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा मेहनत है अभी इसमें। सो आप लोग को सारा दोस्तों अभी आप लोग को देखेंगे कि और क्या बताएंगे, गर्मी से जो है ना इतना ज़्यादा आँख लहर रहा है, मतलब लग रहा है कि अंदर से पूरा कोर रहा है, जो कि वहाँ से आए तो खाना खा के सोए भी थे, और क्या बताएंगे आप लोग को। फिर जाके जागे, फिर जो है उधर खेत फिर जाना पड़ा, क्योंकि पापा जो है अकेले, पापा मम्मी अकेले कर रहे थे काम, इसीलिए दोस्तों जाना पड़ा अकेले, क्या करेंगे, घर में तो मात्र तीन आदमी है ही, वो अभी घर में नहीं है, आप लोग को पता है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं, पता नहीं कब आते नहीं आते हैं, इधर आ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और क्योंकि दोस्तों मम्मी तो वजन कम बोले भी नहीं करने के लिए, फिर भी बैठे बैठे कर देते हैं, बोरा सब नहीं उठाते हैं, देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे सिर्फ बोरा में आराम से कर देते हैं, बाकी बाद उठाते हैं, वजन वाला काम अभी हम नहीं करते हैं दोस्तों। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ होगा भगवान के हाथ में तो होके ही रहेगा ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं अंत करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते यही बोलेंगे कि जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए।